बात करें ना टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स के लिए भी और मरीन एनिमल्स के लिए भी और लैंड एनिमल्स के लिए भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है लाइफ के लिए। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा डाउन है, वहाँ पे लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों मुश्किल हो जाती है? क्योंकि जनरली जो वेजिटेशन है वो उसी तरह की रहती है। हमने देखे थे टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेचर्स बहुत ही कम रहते हैं, माइनस में रहते हैं। कुछ ट्राइब्स वहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, हमने डिस्कस किया था समाइड्स, याकुट्स, ठीक, तो काफ़ी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स होते हैं, तो जनरल लाइफ नहीं रह पाती वहाँ पे इतनी अच्छी। तो क्योंकि ऑर्गेनिज़म्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सनलाइट के अच्छे होने से फोटोसिंथेसिस भी अच्छा होता है। अगर फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो इजीली फूड कैन बी मेड फॉर द फाइटोप्लैंक्टन्स। हमने डिस्कस किया था प्लैंक्टन्स क्या होते हैं। प्लैंक्टन्स बहुत छोटे छोटे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं और ये जू प्लैंक्टन्स होते हैं। मतलब एक जो एल्गी टाइप होते हैं अपना खाना बनाते हैं सनलाइट को यूज़ करके, और जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उन्हीं को जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, और जू प्लैंक्टन्स को बड़ी फिशेस खाती हैं, और फिशेस जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा लार्ज शार्क या वेल्स खाती हैं, और जब उनको वो फिशेस इस तरीके से फूड चेन डेवलप करती हैं, राइट। तो टेम्परेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना एज फार एज ओशन इज कंसर्न। ओशन के अंदर भी एक पूरी दुनिया है, एक लाइफ है अपने आप में। लेकिन ओशन के बारे में एक अच्छी बात क्या है जो लैंड के अंदर नहीं है? अच्छी बात यह है कि ओशन बहुत मेच्योर है। मतलब अगर आप ओशन को हीट देते हैं तो जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ते तो हैं, बट बहुत ही ग्रेजुअल राइज होता है। टेम्परेचर का जो राइज होगा वो ग्रेजुअल होगा, और अगर आप उसको कोल्ड या फिर उससे हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो टेम्परेचर्स कूल डाउन होंगे बट बहुत ही ग्रेजुअल होंगे। इसको हम ऐसे टर्म कर सकते हैं कि ओशन के अंदर टेम्परेचर कम भी बहुत स्लोली होते हैं और बढ़ते भी बहुत स्लोली हैं, लैंड की तरह नहीं कि एकदम से बढ़ गए और एकदम से कम हो गए। ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जो ओशंस हैं, ओशंस की अगर हम बात करें तो ओशंस में जो टेम्परेचर्स हैं ना वो कंपेयर टू लैंड उनका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो काफ़ी नॉर्मल रहता है, एकदम एक्सट्रीम्स पे नहीं चले जाता, ठीक है। और उस वजह से बहुत सारे ऐसे फिनोमेनाज हैं ओशन में जो होने वाले हैं वो हम देखते हैं अभी। उसके पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे कैसे वेरी कर रहा है, कौन कौन से ऐसे फिनोमेनाज हैं जिनके कारण टेम्परेचर वेरी करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। पहले फैक्टर की बात करें तो देखिए लैटिट्यूड है, हमें पता है कि अर्थ राउंड है और दिस इज़ द इक्वेटर एंड दीज आर द पोल्स। क्योंकि इक्वेटर में इंसोलेशन है, इंटेंसिटी इज़ वेरी वेरी हाई, और उस वजह से यहाँ के टेम्परेचर्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो ओशन के सरफेस के भी टेम्परेचर्स क्योंकि कंसिस्टेंट हीट उसे मिल रही है तो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू पोल। क्योंकि पोल में जो सनरेज हैं वो एंगल पे हैं, स्लांट हैं, अगर वो स्लांट हैं तो हीट एब्जॉर्प्शन कम है, टेम्परेचर्स भी कम होंगे। तो रिलेटिवली अगर लैटिट्यूड्स की बात करें, 0 डिग्री लैटिट्यूड और 90 डिग्री लैटिट्यूड में 0 डिग्री लैटिट्यूड के टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे ओशन के, और अगर हम 90 डिग्री लैटिट्यूड की बात करेंगे तो टेम्परेचर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होंगे क्योंकि हीट का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम है, टेम्परेचर्स काफ़ी कम रहेंगे, और ओवरऑल टेम्परेचर कंट्रास्ट देखने को मिलता है 0 डिग्री लैटिट्यूड में और उसके नियर बाय, और हाई लैटिट्यूड यानी 90 डिग्री लैटिट्यूड्स में, ठीक। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं, हम देखेंगे कि ओशन के बॉटम में जो वाटर है उसके टेम्परेचर्स कैसे इफेक्ट करते हैं। फिलहाल हमें देख सकते हैं जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो व्हेन वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द टेम्परेचर्स आर डिक्रीजिंग। यहाँ पे टेम्परेचर्स हैं हाई और यहाँ पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर्स क्या हो जाते हैं, कम। ऑल क्रेडिट गोज टू इंसोलेशन। एक और बात क्या है देखने वाली, एक और बात यह है कि लैंड और वाटर का जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी नॉन यूनिफॉर्म है। आपको याद होगा हमने ब्रीजेस डिस्कस करी थी, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। आप मान लीजिए डे टाइम हो रहा है, अगर दिन का वक्त है और सन काफ़ी ज़्यादा तेज चमक रहा है तो मान दोनों सन की हीट दोनों के तरफ ही आ रही होगी, लैंड की तरफ की और सी के तरफ भी। मान लीजिए ये जो है ये ओशन है, दिस इज द सी एरिया एंड दिस इज द लैंड रीजन। अब होता क्या है, लैंड मेच्योर है, जल्दी हीट अप होगा, टेम्परेचर्स विल बी वेरी हाई। तो टेम्परेचर्स ज़्यादा होंगे, टेम्परेचर्स हाई हैं, हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ओशन मेच्योर है, ओशन के टेम्परेचर बढ़ेंगे बट रिलेटिवली कम, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, टेम्परेचर वेरी वेरी हाई। और हमको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होंगे तो वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, वहाँ से एयर राइज करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर्स कम है रिलेटिवली तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, एयर डिसेंड होगी, और जब एयर डिसेंड होगी एक्यूमुलेशन होगा, यहाँ पे वॉइड क्रिएट होगा, एक्यूमुलेशन से मूवमेंट होगी इस तरफ, और क्या होगा यहाँ से मूवमेंट होगी इस तरफ, तो ब्रीज चलती है, जैसे आप क्या बोल देते हैं सी ब्रीज। तो देखिए यहाँ पे कंट्रास्ट है, आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और वाटर के टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। इसी कारण से ना, इसी की कॉरोलरी क्या है, इसी कॉरोलरी ये है कि नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा हीट होती है कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि जो नदर्न हेमिस्फेयर है उसमें जो लैंड का कंपोनेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर लैंड ज़्यादा होगा तो हीट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्योंकि ओवरऑल अगर आप ऑन एन एवरेज देखें, अगर ये नदर्न हेमिस्फेयर है और ये सदर्न हेमिस्फेयर है
तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड काफ़ी ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी एवन एन एवरेज, ओशन के कंपैरिजन में ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा परसेंटेज लैंड की है तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा टेम्परेचर्स होंगे। तो अगर एवरेज टेम्परेचर की किसी ने मुझसे बात करी, कोई मुझे बोलेगा तो बताइए, तो मैं बोलूँगा टी एवरेज ऑफ लैंड विल बी हाई। फिर किसी ने पूछा सदर्न हेमिस्फीयर में बताइए, तो हमने बोला सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन का कंपोनेंट ज़्यादा है, अगर ओशन का कंपोनेंट ज़्यादा है लैंड का कंपोनेंट कम है तो हीट की एब्जॉर्प्शन कम होगी, ग्रेजुअल होगी क्योंकि ओशन मैच्योर है, हीट नॉर्मली एब्जॉर्ब करता है, तो टेम्परेचर्स भी क्या होंगे, टेम्परेचर्स भी कम होंगे रिलेटिवली। अगर टेम्परेचर सदर्न हेमिस्फीयर में कम है तो हम बोल सकते हैं टी एवरेज ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, टी एवरेज ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर विल बी लेसर साइड। तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बी हायर, ठीक है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर विल बी लेसर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर अगर आप बात करेंगे, मैंने फैक्ट्स आगे दिए भी हैं बता देते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेलिंग विंड की। देखिए प्रिवेलिंग विंड कैसे अफेक्ट करती होगी, अभी तक हमने इफेक्ट्स देखे किस किस के, एक तो हमने देखा इनिशियली कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड और वाटर का कैसे अफेक्ट करता है, और दूसरा जो हमने यहाँ पे देखा दैट इज़ लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है। तीसरी बात करते हैं विंड्स की। देखिए विंड्स भी ना बहुत काफ़ी रोल प्ले करती हैं टेम्परेचर्स के इफेक्ट होने से, वार्म ओशन के टेम्परेचर को वार्म और ठंडा और गर्म कर रहे हैं। हम एक बात समझते हैं कि अगर ये ओशन है, आप एक बात समझ लीजिए, इसको हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ जो टेम्परेचर है देखिए ये हाई होगा, मान लीजिए इक्वेटर की बात हो रही है, ठीक है, इक्वेटर से हम एक बात समझते हैं इंसुलेशन काफ़ी हाई है, इंसुलेशन हाई है तो सरफेस के टेम्परेचर्स बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे क्योंकि हीट ज़्यादा है। आप जब नीचे जाओगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जा रहे हो, क्योंकि हमें पता है जो हैवी हैं लेयर्स वो नीचे आ जाएंगी और जो लाइट लेयर्स हैं गर्म लेयर्स हैं वो ऊपर आ जाएंगी, डेंसिटीज़ ठंडी एयर्स की ज़्यादा होती है कोल्ड एयर्स की तो वो नीचे की तरफ जाएंगी, और डेंसिटीज़ कम होती हैं हॉट एयर की, हॉट लेयर्स की, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है तो वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तो जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ओशन में ध्यान रखिएगा, इक्वेटर की जब बात हो रही है या किसी और रीजन की बात हो रही है तो हाँ ऊपर टेम्परेचर्स ज़्यादा होंगे, सरफेस पे बॉटम पे कम होते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं विंड्स के बारे में डिस्कस करने वाली बात, ठीक है। तो एक फंडा ध्यान में क्या रखेंगे, ओशन के सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा, ओशन के बॉटम पे टेम्परेचर कम होता चले जाएगा। अब बात करते हैं विंड्स की। अब देखिए मान लीजिए ये आपका है कॉन्टिनेंट, दिस इज़ द कॉन्टिनेंट, और ये है आपका सी शोर, राइट, दिस इज़ द सी शोर। अब क्या होता है, इस तरह से विंड्स चलती हैं, अगर ये विंड्स ऐसे चलेंगी तो इन्हें हम बोलते हैं ऑन शोर विंड्स, विंड्स की तरफ शोर की तरफ चलने वाली। जब ऑन शोर विंड्स चलेंगी तो क्या होगा, ये सारे सरफेस के जो वाटर है उसको धक्का मार करके ना यहाँ पे इकट्ठा कर देंगी, कंपाइल कर देंगी, और क्या होगा, जो वार्म वाटर है वो कोस्ट के पास गर्म रहेगा, ठीक है, और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, टेम्परेचर्स जो हैं वो हाई रहेंगे हमेशा, ठीक है, और ये जो टेम्परेचर्स हाई रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमेशा जो एवरेज टेम्परेचर है कोस्ट के अराउंड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, हीटेड अप रहेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये जो एरिया होगा, क्योंकि ऑनशोर विंड्स बहुत पीछे से आ रही है ना, ऑनशोर विंड्स बहुत पीछे से आ रही हैं, तो ये इतना बड़ा ओशन है, किलोमीटर्स तक है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, तो क्या हो रहा है, सारा का सारा वार्म वाटर लेके आ रही है कोस्ट के बाद, और ये क्या कर देंगी, जमा कर देंगी वार्म वाटर को यहाँ पे। तो ऑनशोर विंड्स क्या करती हैं, ऑनशोर विंड्स टेम्परेचर्स को इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। बात कर लेते हैं ऑफशोर विंड की। यहाँ देख लीजिए ये कॉन्टिनेंट था, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, सॉलिड है, ठीक है भाई, कॉन्टिनेंट है, ये रहा सी शोर, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये सी शोर है, सी शोर में बात करते हैं ऑफशोर विंड्स की। देखिए ऑफशोर विंड्स क्या करेंगी, शोर से अवे ले जाएंगी, जब विंड्स वाटर को शोर से अवे ले जाएगी, क्योंकि विंड्स ऐसे ब्लो कर रही हैं तो पानी भी जाएगा ना टाइड्स के साथ, तो पानी भी जाएगा। अगर पानी यहाँ जाएगा तो देखिए इस रीजन में ना वॉइड क्रिएट हो जाएगा, अगर वॉइड क्रिएट होगा क्योंकि विंड्स तो अपने साथ गर्म पानी को ले गई सरफेस वाटर को बहुत दूर माइल्स, तो जब ये जगह खाली होगी तो इस जगह में नीचे से पानी आएगा। और ये बात तो अभी हमने डिस्कस करी है, सरफेस के टेम्परेचर्स होते हैं हाई और बॉटम के टेम्परेचर्स होते हैं लो, अगर बॉटम के टेम्परेचर्स लो हैं तो लो टेम्परेचर पानी ऊपर आएगा, अगर लो टेम्परेचर पानी ऊपर आएगा तो आप देखिए इस जगह पे कोल्ड वाटर इकट्ठा होगा, इस जगह पे कोल्ड वाटर इकट्ठा अगर होता है तो क्या होगा, कोल्ड वाटर के होने से जो विंड्स का गर्म पानी को शोर से दूर ले जाना, वहाँ पे वॉइड क्रिएट होना और नीचे से कोल्ड वाटर का ऊपर आना, और जब कोल्ड वाटर नीचे से आएगा तो मरीन ऑर्गेनिजम्स को अपने साथ लेके आएगा, और मरीन ऑर्गेनिजम्स को जब अपने साथ लेके आएगा तो प्लैंकटॉन्स ऊपर की तरफ आएंगे, प्लैंकटॉन्स जब ऊपर की तरफ आएंगे तो उनको वो प्लैंकटॉन्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, फाइटोप्लैंकटॉन्स, उसके बाद फिर ज़ूप्लैंकटॉन्स, उसके बाद फिशेस, तो यहाँ पे फिशेस की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, अपवेलिंग, इसको हम बोल देते हैं अपवेलिंग, ठीक है। अपवेलिंग मतलब पानी का ऊपर की तरफ आना, और जिन जिन कोस्ट पे अपवेलिंग होती है हमेशा ध्यान रखना, जिन जिन कोस्ट पे अपवेलिंग होगी वहाँ वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बनेंगे, वहाँ वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बनेंगे, और जहाँ जहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होंगे वहाँ पे बेस्ट फिशिंग प्रोडक्शन रहेगी,
प्रोडक्शन ऑफ द फिशिंग विल बी वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी हाई। तो प्रिवेलिंग विंड्स क्लियर है सभी, हमने डिस्कस किया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी अफेक्ट करता है, प्रिवेलिंग विंड्स भी अफेक्ट करती हैं ऑन शोर एंड ऑफ शोर। अब नेक्स्ट फैक्टर जो है जो टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज योर ओशन करेंट्स। अब देखिए ओशन करेंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं, ओशन करेंट्स क्या होते हैं थोड़ा देख लेते हैं जरा। देखिए ये ओशन करेंट्स होते हैं, बेसिकली जो वाटर का फ्लो है ना, जिसमें कि वाटर मूव करता है, ठीक है, फिजिकली मूव करता है, हम उसको बोल सकते हैं ओशन करेंट्स। अब जब हम इन डिप्थ पढ़ेंगे ओशन करेंट्स के बारे में, क्यों बनते हैं, क्या रीज़न है, कैसे मूव होता है, सरफेस करंट क्या होते हैं, बॉटम करंट क्या होते हैं, ये सब आगे की बातें हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, करंट्स दो टाइप के होते हैं, एक वार्म करंट होते हैं और एक कोल्ड करंट होते हैं। ये जो वार्म करंट हैं ये आसपास के टेम्परेचर्स को इंक्रीज़ करते हैं, और जो कोल्ड करंट हैं आसपास के टेम्परेचर्स को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं इनके बनने के, और इन ये भी बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। फिलहाल हमारे लिए जानना इतना सही है कि एक वार्म करंट होते हैं, कोल्ड करंट होते हैं, वार्म करंट टेम्परेचर राइज, कोल्ड करंट टेम्परेचर फॉल। देखिए जो रेड से दिख रहा है ना आपको, ये नीचे देखिए, वो वार्म करंट है, और जो ब्लू से दिखा रखा है वो कोल्ड करंट है। ये देखिए, यहाँ देखिए अलास्का करंट कैसा है, रेड से है, वार्म करंट है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, नॉर्वेजियन करंट वार्म करंट है, अगुलास वार्म करंट है, ये वार्म करंट। अब देखिए ये जो वार्म करंट है ना, अपने आसपास की कोस्ट का टेम्परेचर गर्म रखते हैं। ये जो नॉर्वेजियन करंट है ना ये वाला, और ये गल्फ स्ट्रीम है, ये काफ़ी अच्छे करंट माने जाते हैं, क्योंकि जो लंडन कोस्ट और नॉर्वेजियन कोस्ट हैं, इन कोस्ट के जो सी पोर्ट्स हैं उन पर फ्रीज जम जाती है, ठीक है, उसको पिघला के पोर्ट्स में शिप्स के आवागमन में ये करंट्स हेल्प करते हैं, इसीलिए इन करंट्स को अच्छा माना जाता है। गल्फ स्ट्रीम भी जो नॉर्थ ईस्ट यूएसए और जो नॉर्थ यूएसए यहाँ पे, इसमें टेम्परेचर्स को कंट्रोल में रखता है, और कंट्रोल में रखने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रीजिंग है वो अवॉइड हो पाती है, और ईजिली यहाँ पे फिशिंग हो पाती है, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं गल्फ स्ट्रीम मिलता है लैब्राडोर से, और जब दो कोल्ड और वार्म करंट मिलते हैं तो वहाँ पे बेस्ट वर्ल्ड के फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड आइलैंड है, वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है। सिमिलरली ब्राज़ीलियन करंट, ये वार्म करंट है, यहाँ पे कोल्ड करंट मिलता है, ठीक है, और जब फाकलैंड करंट और ये मिलेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है बहिया ब्लैंका, वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं, राइट। तो जहाँ भी देखिए कोल्ड करंट है, पेरू करंट, कैलिफोर्नियन करंट, वहाँ ठंडा रहेगा, और जहाँ वार्म करंट है वहाँ बेस्ट रहेगा। यहाँ देखिए राइट में देखिए, इधर ओयाशियो कुरोशियो, जब ये दो करंट्स मिलते हैं यहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बनता है, और यहाँ पे जैपनीज इकोनॉमी जो है वो फिशिंग से काफ़ी अच्छी चलती है। तो हमारा क्रक्स क्या है ये सब करंट्स देख के, फिलहाल इतना हमारा क्रक्स है डेप्थ में जाते हुए, कि जहाँ भी वार्म करंट्स होंगे वो टेम्परेचर्स को बढ़ाएंगे, जहाँ भी कोल्ड करंट होंगे वो टेम्परेचर्स को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इसके लिए चौथा फैक्टर जो हो गया हमारे पास वो ये हो गया कि टेम्परेचर इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द करेंट्स ऑल्सो, प्रिवेलिंग विंड्स ऑल्सो, और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद सी का डिस्ट्रीब्यूशन, और लैटिट्यूड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब